टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ये कॉन्सेंट्रिक है, ये ए है, ये बी है, और इसने कहा कि दोनों के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है। तो यहां अगर सिग्मा है तो यहां भी कितना है सिग्मा, और दोनों का चार्ज मिला करके कैपिटल क्यू है। अंदर वाले पे कितना चार्ज होगा सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर, और बाहर वाले पे सिग्मा इंटू फोर पाई बी स्क्वायर, और दोनों मिला के है कैपिटल क्यू। सिग्मा को फिर आप लिख सकते हो क्यू अपॉन फोर पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहा इसने पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर इज, तो पोटेंशियल एट सेंटर जब आप लिखोगे तो एक शेल की वजह से सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाई आर होता है। तो के क्यू पहले वाले पे कितना चार्ज है सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर, ठीक, अपॉन आर इसका रेडियस ए, प्लस बड़े वाले की वजह से के सिग्मा इंटू फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन आर इसका रेडियस बी। ठीक, तो ये हो गया फोर पाई के सिग्मा ए प्लस बी। और अब मैं 4 पाई सिग्मा की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दूंगा, 4 पाई सिग्मा कितना है q अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां रख दो, तो q अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू के a प्लस b, ये आंसर हो जाएगा। तो के क्यू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये राइट आंसर हो गया। इसमें फर्क क्या है, अच्छा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है।